हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वर्चुअल टूर कराएंगे पैंजिम सिटी का। तो पैंजिम सिटी का वर्चुअल टूर होने जा रहा है इस वीडियो में। तो जो भी हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि हम कम्युनिटी टैब के बहुत बहुत करीब है। तो इस वजह से आप सभी का मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कम्युनिटी टैब ऑन होने के बाद में हम वहाँ पर भी पोस्ट करेंगे, तो फिर और भी इंटरेस्टिंग होगा और भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। अभी हम आप देख सकते हो मेरे पीछे ये आपको ब्रिजेस नज़र आ रहे हैं। तो पैंजिम का जो आपको जंक्शन है फर्स्ट, तो वहीं पर है हम, तो आपको कैमरा टर्न करके दिखा देंगे। चलिए फिर लेट्स गो। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये वो जंक्शन है जिसकी हम बात कर रहे थे। इस जंक्शन को आप दिवजा सर्कल भी कहते हैं और या फिर नाइन पिलर्स जंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको नाइन पिलर्स लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे अंदर आपको लैंटर्न्स भी लगे हुए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये रहा 9। तो ऐसे आपको यहाँ पे 9 पिलर्स है, इसलिए इसको 9 पिलर्स कहते हैं। और ये आपको वो जंक्शन है। तो यहाँ से अभी हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे। ये रोड जो है मीरामार की तरफ जाता है, पैंजिम सिटी की तरफ जाता है। सबसे पहले आपको पैंजिम सिटी मिलेगा। तो यहीं से हम आगे बढ़ के आपको शुरुआत करेंगे कि जो भी आपको ब्रिज, ये ब्रिज ख़त्म होने के बाद सबसे पहले आपको यही जंक्शन मिलेगा। तो यहीं से आपको होकर जाना है पैंजिम सिटी की तरफ। और एक रास्ता है वो साइड में है, वो आपको और कभी दिखाएंगे फ्यूचर में। तो यहाँ यहीं पे हमने अभी बाइक पार्क की है, तो अभी हम अपने बाइक की तरफ चलेंगे और उसके बाद में आपको आगे दिखाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये ब्रिज है, जो पुराने ब्रिज है उसके नीचे अभी हम होकर चलेंगे। तो स्क्रीन के राइट साइड में आप देख सकते हो ये पूरा आपको जो पत्रे लगे हुए ग्रीन कलर के, उसके दूसरे साइड में आपको बोट क्रूजेस है। और राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है, ये अभी आपको पूरा वाइट कलर का बिल्डिंग, ये पूरा गवर्नमेंट का पार्किंग एरिया है जो 4 फ्लोर का है दोस्तों। तो जो भी आप ये क्रूज़ पर जा रहे हैं जो राइट साइड में है, तो वो सब लोग 4 व्हीलर का पार्किंग लेफ्ट साइड में जो था 4 फ्लोर्स का, वहाँ पे पार्क कर सकते हो। ये आप देख सकते हो, ये जो बड़ा ब्रिज है अटल सेतु, उसके नीचे जो पैराडाइज क्रूजेज है, जो गवर्नमेंट क्रूजेज है, वो लगे हुए आपको पार्क्ड दिख रहे हैं। और आप देख सकते हो दोस्तों कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, क्लाइमेट एकदम सुंदर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्लाइमेट। और ये जो आपको ऑरेंज कलर टाइप बिल्डिंग दिख रही है, वो सोहो है, जो नाइट क्लब है यहाँ पे पैंजिम में। और ऊपर जो आपको दिख रहा है होटल क्रिक, तो उसके बगल में ही आपको और डाउन द रोड करके एक पब है, और बहुत सारे आपको वहाँ पे भी अभी न्यू पब्स ओपन हुए हैं। तो वहाँ का भी हम फ्यूचर में कभी चलेंगे और वहाँ का भी एक वीडियो बनाएंगे आप सभी के लिए दोस्तों। और ये जो रेड कलर का बिल्डिंग आप देख रहे हो आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड में, ये आपको पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग है दोस्तों। और उसके पीछे ही आपको और भी बहुत सारे पोस्ट के बिल्डिंग्स हैं। तो ये गवर्नमेंट पोस्ट है। और ऑपोजिट साइड में आप देख सकते हो, आपको अभी ऑलमोस्ट हम जो कैसीनो का लेन है, जहाँ पे कैसीनोज शुरू होते हैं, कैसीनो का रिसेप्शन, वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो आप राइट साइड में देख सकते हो आपको किंग्स कैसीनो नज़र आ रहा है, उसका एंट्री गेट मैजेस्टिक प्राइड, और उसके बिल्कुल साइड में डेल्टिन जैक। तो ये 3 कैसीनोज के आपको जो भी एंट्री पॉइंट्स है वो आपको नज़र आ रहे हैं एक एक करके। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा वाटरमार्क, जो ड्राई डॉक के लिए गया हुआ है, आपको सिर्फ वो बोर्ड नज़र आ रहा था, बाकी जो भी आपको रेस्टोरेंट था फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, वो ड्राई डॉकिंग के लिए गया है। तो और ये जो लेफ्ट साइड में आपको नज़र आ रही थी बिल्डिंग, ये सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग थी। और अभी हम ऑलमोस्ट बिग डैडी कैसीनो के रिसेप्शन के पास पहुंच गए, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और ये आपको ऑपोजिट साइड में उनका वैले पार्किंग का एरिया रहता है, ये जो आपको नज़र आ रही है गुड्स कैरियर व्हीकल, यहाँ पे आपको पूरा
कैसीनो का, बिग डैडी का वैले पार्किंग एरिया है, और ये जो आपको आइसक्रीम का गाड़ा नज़र आ रहा है यहाँ पे आपको बोट क्रूजेज जो रहते हैं वो वहाँ से निकलते हैं, और ये ब्लू कलर की चमचमाती हुई बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है वो कस्टम्स हाउस और कस्टम्स हाउस का गेस्ट हाउस है, और ये कैसीनो प्राइड का रिसेप्शन चले गया पीछे, और अभी डेल्टिन रॉयल का रिसेप्शन भी चले गया, और डेल्टिन रॉयल की जो भी पार्किंग एंड ऑल रहेगी वो ये आपको जो लेफ़्ट साइड में बिल्डिंग दिख रही है इसके बगल में आपको लेफ़्ट साइड में रोड नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आपको पूरा अंदर जाने के बाद पार्किंग है, और ये द मांडवी होटल भी आप गूगल मैप पे डाल सकते हो अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो, और राइट साइड में आप देख सकते हो द क्वार्टर डेक करके एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे इवेंट्स एंड ऑल होते रहते हैं, पार्टीज एंड ऑल होते रहते हैं, ओपन एरिया है ये, और इसके बिल्कुल बगल में आपको जो टैक्सी सर्विस है जो कार रेंटल्स वन ऑफ द फेमस है तो उनका आपको ऑफिस नज़र आ रहा है, और उसके बिल्कुल बगल में आपको फेरी पॉइंट है जो बेतिम फेरी बोट निकलते हैं वो, और ये आपको मैजेस्टिक प्राइड का नया रिसेप्शन है एंट्री गेट है, और मैजेस्टिक प्राइड की आपको बोट भी नज़र आ रही है बिल्कुल आपके राइट साइड में, और आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको झाड़ नॉल है ऑन द वे जाते वक्त, तो थोड़ा जूम कर लिया अभी हमने कैमरा को, और आप देख सकते हो ये बिग डैडी का शब्द दिख रहा है आपको, बिग डैडी कैसीनो का, और ऐसे ही आपको लाइन में सभी कैसीनोज नज़र आ जाएंगे गाइस। अभी आपको दिख रहा है किंग्स कैसीनो, थोड़ा आप गौर करके देखोगे तो दिख जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको दिखा देंगे यहाँ पे ऑन द वे क्या क्या चीज़ है, और इसके बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट में रोड के राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, स्क्रीन के लेफ्ट साइड में और रोड के भी लेफ्ट साइड में आपको जो एरिया नज़र आ रहा है वो पूरा पेंजम मार्केट का एरिया है दोस्तों, तो उसका भी हम आगे चलकर वीडियो बनाएंगे, फ़िश मार्केट आपको दिखाएंगे स्पेशली क्योंकि गोवा फेमस है फिश के लिए, तो इस वजह से उसका भी हम वीडियो शूट करने का प्लान बनाया हुआ है। तो चलिए फिर ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो भी आपको रोड्स है वो आप देख सकते हो पूरा झाड़ियों से कवर है, पूरा जो नेचुरल आपको झाड़ है उससे कवर है, तो आपको नेचुरल शेड भी यहाँ पे पूरा ऑन द वे दिखेगा दोस्तों, तो ये भी आपको एक पीसफुल राइड है, और यहाँ पे नेचुरल हवाएं भी चलती है, कभी भी आप जाओगे तो आपको नेचुरल हवाएं चलती हुई नज़र आ जाएंगी गाइस, और आपको आपका जो राइड रहेगा उसको और भी मतलब अच्छा बनाएंगी, क्योंकि आप बाइक पे जाओगे तो और आपको मज़ा आएगा, कार में तो आप एसी, कार में तो सब लोग एसी यूज़ करते हैं, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है दोस्तों ये हम आपको स्पेसिफाई करके दिखा रहे हैं, ये जो मानसून के जो मंथ्स रहते हैं यहाँ पे आपको फिल्मी चक्कर करके बोट निकलती है, तो वो वहाँ से निकलती है, और ये आपको राइट में आपको जो नज़र आ रहा है वो एक वेज रेस्टोरेंट एशना करके, और एक पार्क है चिल्ड्रंस पार्क जैसे है, तो वहाँ पे भी आपके जो भी आपके बच्चे जो रहेंगे उनको आप लेकर जा सकते हो अगर आप पेंजिम में स्टे कर रहे तो ये एक है, और देख सकते हो आप झाड़ तो अभी है लाइन से एकदम यहाँ पे बड़े बड़े झाड़ है, तो ये एकदम पेंजिम सिटी की शान भी बढ़ाते हुए, तो इस वजह से भी आपको यहाँ पे बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों, ये राइड स्पेशली राइड करने में तो बहुत ही मज़ा आता है मुझे, तो इसलिए मैं बहुत ही स्लो जाता हूँ यहाँ पे, अराउंड 10-20 के स्पीड में ही मैं जाता हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं कभी नहीं जाता हूँ, तो इस वजह से ये एक आपको बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों, और ये अभी हम ऑलमोस्ट पहुँच गए कला अकेडमी जंक्शन के पास, तो राइट साइड में आपको जो नज़र आ रहा है वो आपको कला अकेडमी है, और यहाँ पे एकदम जंक्शन है, जंक्शन के एग्जैक्टली राइट साइड में, और जंक्शन के लेफ्ट साइड में अगर आप अंदर जाओगे तो आपको जो 5-star प्रॉपर्टी है ताज विवांता वो आपको देखने मिल जाएगी, तो ये एक चीज़ है यहाँ पे, और आगे हम अभी ऐसे ही बढ़ रहे हैं, और ये आपको ग्राउंड्स जो भी आपको SAG के ग्राउंड्स, जिमखाना का ग्राउंड्स, ये सब भी आपको मिल जाएगा ऑन द वे, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है अभी ये ये पेंजिम जिमखाना का ग्राउंड है, इसके थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको SAG ग्राउंड्स में नज़र आ जाएंगे, तो ये आप एंजॉय कीजिएगा, और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत म्यूज़िक भी एंजॉय कीजिएगा, तो चलिए लेट्स गो।
तो दोस्तों ये था पेंजिम सिटी का राइड, उससे रिलेटेड वीडियो था। तो कैसे लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही आपको गोवा से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। और ये जो आपको नज़र आ रहा है रोड, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग जगह है, उससे रिलेटेड वीडियो हम बहुत जल्द बनाएंगे।